सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? अभी फिलहाल मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। सभी सुबह सुबह बारिश हो गई है। तो गाइज, अभी हम पैदल पैदल आ रहे हो पूरा रायवाला से, और नोटियाल की कार यहाँ खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई क्या चाह रहे हो यहाँ खड़े हो? ऐसी मान ली तूने भयंकर। अभी वहाँ सामान है ना, वहाँ रखा हुआ। कहाँ? अरे आज तो कार। तो गाइज, हम नोटियाल भाई के साथ आ गए, इनकी कार यहाँ खड़ी है, देख रहे हो आप, तगड़ी है। मेरा सर लग रहा है लंबोर्गिनी नाम है इसका। लंबोर्गिनी तो हो गया यार, मेरी कहाँ यार, कार मेरी होगी तो बात ही क्या। तो भाई बहुत, भाई ये बाइक पर चला लो। हाँ हाँ, तो भाई आशीष भाई कैसा लग रहा है पैदल आके? बस जिंदा है, जिंदा है। और अब हम निकल रहे हैं कॉलेज, और 10 बज चुके हैं हमें यहीं पर श्यामपुर के पास। तो नोटियाल भाई ड्राइव कर रहा है गाड़ी, तो चलो फिर मिलते हैं सीधे आप लोगों को कॉलेज पे। भाई भाई बारिश देखो, अभी हम भाई साहब लगभग एक घंटे से हम चल रहे हैं जाम में, तो जाम बहुत तगड़ा है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अभी गाड़ी में बैठे नोटियाल भाई ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, और लेकिन बहुत जाम लगा हुआ है, जा रहे धीरे धीरे, पूरा चक्का जाम है। वो देखो सामने गाड़ियां देख रहे हैं आप लोग। तो भाई कार में तो जाना एक तरह से ठीक भी है कि बरसात से बच रहे हैं, दूसरी बात यह है कि जाम से नहीं बच सकते हम, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की स्थिति मेरी। तो अभी हम नटराज चौक पहुंच गए पूरे एक घंटे में, तो अभी नटराज से आगे और जाम लगा हुआ है। तो मतलब आज हम कॉलेज 12 बजे से पहले तो पहुंचने से रहे, बट हमें सिर्फ भद्रकाली क्रॉस करना है, उसके बाद नॉर्मल रहना है, आगे का नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, 5-10 मिनट यहाँ वेट करते हैं, फिर उसके बाद सीधे नटराज क्रॉस करने के बाद भद्रकाली पहुंचेंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधे, अभी कॉलेज में तो नहीं मिलेंगे, रास्ते में मिलते हैं थोड़ा। तो गाइस अभी फिलहाल आ गए आकाश भाई, रुद्राक्ष भाई, और बहुत देर से ही हमारा वेट कर रहे थे, सुबह लगभग 7-8 बजे से इन्होंने बहुत ऐसी तैसी कर रखी। भाई कैसा लगा आपको आके? भाई कितना जाम है दिखाता हूँ, मतलब यहाँ भी जाम ही जाम है। अभी हम आगे से, भाई हमारी गाड़ी थोड़ी वैसी बंद करने से बैठ क्यों बोल रही चूजे ने, क्या करूँ यार, डरा लेता हूँ, डीजल। तो गाइज ये वाली गाड़ी का नंबर देख के बताओ ये गाड़ी कहाँ की है, ये देखो, क्योंकि कोई भूटान बोल रहा है, कोई वो नेपाल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप लोग बताओ। नेपाल की नहीं हो सकती, भूटान की भी नहीं हो सकती। तो भाई अभी फिलहाल चलते, बहुत तेज बारिश हो रही है, और इधर ये पहाड़ देखो, देखो पहाड़ तो क्या ही दिख रहा होगा, लेकिन फोन यूं खुलेगा। भाई अब हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, और चलो फिर मिलते हैं लैब के अंदर सीधे अपने। मौसम देखो यहाँ का, देखो क्या बढ़िया हो रहा, मौसम देख रहे हो, ऊपर बादल ही बादल है, बारिश हो रही है, और मस्त। अभी छुट्टी हो गई हमारी, 4 बज गए, तो इधर का पूरा मौसम अलग ही हो रहा है, इधर तो नहीं है फॉग। तो नोटियाल भाई की गाड़ी ये खड़ी हो गई, और हम लोगों की छुट्टी हो गई। तो गाइस चलते हैं, आज हमारी लग्जरी इधर खड़ी है, लग्जरी। अरे तो यार वो बोल रहा था, ओटी चल। बाय गाइस, एक बार पूछ लेते, मैंने ठीक भी नहीं लगता ना इसे, अच्छी तरह चला दूं क्या? नहीं छोड़ यार। तो गाइस अभी फॉग हो रखा है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग, प्लेन में देखो पूरा फॉग ही फॉग है। नोटियाल भाई क्या कह रहा, मैं प्रो वो हूँ,
ऐसे बनाता है तू बोस। फिलहाल मैं और नोटियाल भाई निकल रहे हैं, चार बज चुके हैं, कॉलेज हो गया हमारा खत्म। आज हमारी क्या थी, आज हमारे नई क्लासेस जो हमने ज्वाइन करी हैं 2500 रुपए देके, तो उनको ज्वाइन करा सर को आज हमने, और बहुत मजा आया करने में। तो अभी फिलहाल हम अपने दोस्तों को पिक करेंगे कॉलेज से और फिर चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को घर पे। नोटियाल भाई है हमारे हैवी ड्राइवर, डेट इज कॉल्ड हैवी, हैवी मतलब बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं ये। और नोटियाल भाई ने यार वाह हा छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट है। मेरी सांसों में सो गाइज आज कॉलेज गए थे हम, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। बट आज सीन हो गया था क्योंकि हम छुट्टी पे जब आ रहे थे तो हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, और पैसे हमने एक गाड़ी में बैठ गए, बट वो गाड़ी वाला हमसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने बोला भैया मेरा आई वाला उतार दो, तो हमने उसे 10 रुपये दे के और हम भाग गए। तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा, वो हमें क्या क्या बोल रहा था वो हमने सुना है, बट मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता हूँ। वो बहुत अच्छा अच्छा बोला हमारे लिए, उसने तारीफ़ करी हमें और बोला कि तुम एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुना रहा था। हमें सुन के दिल में बहुत ज़्यादा वो हुआ, खुशी का माहौल हुआ, बट कोई बात नहीं, माइंड नहीं करते हम इतनी बात को। तो आज कॉलेज जब हम गए थे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाड़ी में गए थे और गाड़ी में 1.5-2 घंटे हमने जाम में खड़े रहे, तो बहुत इन्जॉय करा। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। और अभी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।